नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में साइफर टेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। TCS NQT 2020 का ये प्रॉब्लम है, बड़ा शानदार प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम को मैंने सी और पाइथन में सॉल्व करवाया हुआ है, तो अगर आपको सी में आपका कंफर्ट लेवल बेहतर है तो आप उस वीडियो को देखो। पाइथन अच्छा लगता है पाइथन को देखो। इस वीडियो में जावा में इस प्रॉब्लम को अपन कोड करने वाले हैं, जावा की यूटिलिटीज को यूज करेंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप जावा आपको आती है, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स आपके क्लियर है जावा में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, मैं आपको एक आसान शब्दों में पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बोलता है द सीजर साइफर एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन साइफर है, ठीक है, जहाँ पे ईच अल्फाबेट को अपन क्या करते हैं, इन द प्लेन टेक्स्ट और मैसेज इज शिफ्टेड बाय अ नंबर ऑफ प्लेसेस डाउन द अल्फाबेट। तो बोलने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, सीजर साइफर टेक्निक ये है, एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन साइफर है, जहां पे हम क्या करते हैं, ये प्लेन टेक्स्ट है, ये प्लेन टेक्स्ट, इसको हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट करने के बाद ये जो प्लेन टेक्स्ट है अब ये बन चुका है साइफर टेक्स्ट। किस में बदल गया, साइफर टेक्स्ट में, और ये मिलता है रिसीवर को, ठीक है, जो हमारा इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है ये मिलता है रिसीवर को। रिसीवर अपने एंड पे डिक्रिप्ट करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो बीच में अगर हैकर उस मैसेज को पकड़ लिया तो एज इट इज उसको प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा कि सामने वाला क्या भेजा था, तो ये ना हो पाए इसीलिए हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। इनक्रिप्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं की का, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट जो भेज रहा है, कौन भेज रहा है, जो सेंडर है वो भेज रहा है, उसके पास की है, वैसे ही रिसीवर के पास भी सेम की होगा, जिससे उसको पता होगा कि जो भी उसने काम किया है उस की से वो मैं उसका उल्टा काम कर दूं, डिक्रिप्ट कर लूं उसको, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे आपको प्रॉब्लम में भी एग्जांपल दिया हुआ है, यहां पे बोलता है कि एंटर योर प्लेन टेक्स्ट, तो अपने को ऐसा कुछ करना है जैसे कुछ भी टेक्स्ट इसने दिया और की मैंने 1 दिया, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एक एक डिजिट जो है, एक एक लेटर जो है वो शिफ्ट कर देना है। तो ए की जगह देखो, ए के बाद अगला क्या आता है, बी आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एल के बाद एम आता है, देन स्पेस की जगह स्पेस है, टी की जगह पे यू आ गया, एच की जगह पे आई आ गया, एक एक लेटर आगे शिफ्ट कर दिए। तो असलियत में ए बी सी डी इस तरीके से आगे अगर जाए तो इसका नंबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 25। ए की जगह पे एक एडिशन कर दो, अब इसकी जगह पे 1 लिखना है, 1 का मतलब है बी, ठीक है। इसके जगह पे 2 लिखना है, 2 का मतलब है सी, इसकी जगह पे 3 लिखना है, इसका मतलब है डी, ऐसे करते जाना। और Z की जगह पे क्या होगा आप बता सकते हो, Z की जगह पे अगेन वापस से चालू करना है तो A हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये डिजिट के लिए भी वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 9 तक के जाएगा, तो 0 की जगह पे 1 लिखें, 1 की जगह पे 2 लिखें, 2 की जगह पे 3 लिखें, और 9 की जगह पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। यही बस मेन काम है, यही बस लॉजिक यहाँ पे सोचना है कि ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने सेम प्रॉब्लम को सी में सॉल्व करवाया है, वहां पे मैंने ASCII वैल्यू से खेल के काम करवाया हूं मैं, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिफरेंट आइडिया यूज करेंगे, जावा के कुछ फीचर्स का यूज करने वाले, तो थोड़ा सी के कंपैरिजन में जावा का कोड छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा जावा की यूटिलिटीज और फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल विद अ शिफ्ट ऑफ 1, एक का शिफ्ट करेंगे तो पी बन जाता है क्यू, क्यू बन जाता है आर, और सो ऑन, ठीक है। टू पास एन इनक्रिप्टेड मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज फर्स्ट नेसेसरी दैट बोथ पार्टी शुड हैव की, ठीक है, दोनों के पास की होना चाहिए फॉर द साइफर, सो दैट द सेंडर में इनक्रिप्ट एंड रिसीवर में डिक्रिप्टेड, ठीक है सर। की इज द नंबर ऑफ ऑफसेट, जितना अपने को शिफ्ट करना है, तो यूजर अपने को बताएगा कि कितना शिफ्ट करना है। जैसे अगर हम चाहें तो दो दो डिजिट, दो दो अल्फाबेट इस तरीके से भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट द साइफर अल्फाबेट, key can have basic shift from 1 to 25 position as there are 26 total alphabet, मतलब अपन total 2 shift कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, total 25 shift कर सकते हैं क्योंकि 26 alphabets होते हैं, ठीक। as we are designing custom cipher, scissor cipher, तो हम क्या करें, अपने हिसाब का एक scissor cipher बना रहे हैं, जहाँ पे alphabets के साथ साथ हम digits को भी इस तरीके से काम कर सकते हैं, digits को भी अपन replace कर सकते हैं उसके corresponding key से, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अ गिवन प्लेन टेक्स्ट कंटेन सिर्फ डिजिट है, 5 अगर उसके पास डिजिट है, की अगर 2 है, तो 5 की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब माइनस साइन एज इट इज है, की वैल्यू लेस देन 0 और 0 को अपने को क्या करना है, इनवैलिड इनपुट घोषित कर देना है, ठीक।
अब उसके बाद फिर आगे आते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, राइट अ फंक्शन कस्टम सीजर साइफर, इस तरीके का एक फंक्शन बनाना है जहां पे अपन की मांगेंगे यूजर से और स्ट्रिंग मैसेज मांगेंगे, ठीक है। अभी यूजर की मर्जी है कि वो क्या देना चाहता है, तो वो यूजर से इनपुट लेंगे अपन, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दोनों चीज पैरामीटर में लेकर रिटर्न करना है अपने को साइफर टेक्स्ट, इस तरीके का कुछ करना है अपने को, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं अपने कोड में, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है पहली बार में, लेकिन एक बार आप कोशिश जरूर करना, आपको जरूर समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, मेन फंक्शन से अपन चालू करते हैं, मेन फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन चालू होगा, ये मेन फंक्शन है। मैंने सबसे पहले यूजर से मांगा एंटर प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद फिर स्कैनर क्लास का यूज करके मैंने यूजर से इनपुट लिया। कैसे लेते हैं इनपुट, ये मैंने आपको पहले के भी दो वीडियोस में बता के रखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम काम किया है मैंने, यूजर से मैंने इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रिंग देने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सिस्टम डॉट इन लिख दिया, उसके बाद स्ट्रिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट के अंदर वो सारी चीजों को स्टोर कर देता हूँ जो मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर की लिखा, ठीक है। स्कैनर क्लास से वापस से मैं वही चीज किया कि की को यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद फिर अपन यहाँ पे की में उसके अंदर डाल दिए। अब यहाँ पे अपन प्रिंट करें द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट इज, इनक्रिप्ट कर दिया अपन उसको, और ये फंक्शन को अपन कॉल कर दिया। ये फंक्शन का नाम है इनक्रिप्ट टेक्स्ट और की। अब आपकी मर्जी, आपको जो नाम रखना है, वहां पे कस्टम सीजर साइफर रखना है आप कस्टम सीजर साइफर रख लो, कोई इशू नहीं है। जो भी फंक्शन आपने यहाँ पे लिखा है, ये जो भी चीज रिटर्न करके देगा यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब सीधा चलते हैं इस फंक्शन के पास, ये आ जाते हैं इस फंक्शन में। ये इनक्रिप्ट स्ट्रिंग मांग रहा है और की मांग रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बफर का यूज किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग बफर का यूज किया है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे स्ट्रिंग में वहीं पे मैनिपुलेशंस करना है, मतलब जहां पे मेरे को प्लेन टेक्स्ट दिया गया है उसी एरे को मेरे को चेंज करना है, इसीलिए मैंने स्ट्रिंग बफर का यूज किया। अगर आपको जावा पता है तो आपको पता होगा स्ट्रिंग बफर को अपन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में वहां पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन अपने को यहां पे स्ट्रिंग बफर का यूज करना होगा, ठीक है। आप स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हो, लेकिन जावा की स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, ये चीज का ध्यान रखना। तो अगर अपने को मॉडिफिकेशंस करनी है स्ट्रिंग में, तो अपन स्ट्रिंग बफर का यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग बफर का मैंने यूज किया, एक स्ट्रिंग बफर बनाया, स्ट्रिंग बफर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, तो इसके अंदर जाएगा। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग एक ही चीज है, एक ही चीज है, बस मॉडिफिकेशन जब भी अपन करते हैं स्ट्रिंग में, तो उस केस में आप स्ट्रिंग बफर को यूज करते हो, ठीक है। ये सब चीजें बेसिक्स हैं जावा के, मेरे हिसाब से आपको पता होंगी। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग बफर अगेन इस तरीके से एरे में स्टोर कर देगा जो भी मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूप दौड़ा रहा हूँ, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से एक लूप दौड़ा रहा हूँ, ठीक है। कब तक के दौड़ाना है, जब तक कि वो उसका लेंथ है पूरा, वहां तक के दौड़ाना है। अगर की का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो लिख दो भैया इनवैलिड इनपुट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नहीं तो, अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, इस तरीके से अगर आप लिखोगे कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, अगर वहां पे डिजिट, इस डिजिट मेथड क्या करता है, ये वाली क्लास के अंदर ये मेथड है, ठीक है। इस डिजिट मेथड ये क्या करेगा, अगर वो डिजिट है, ठीक है, कौन टेक्स्ट डॉट कैरेट, कैरेट क्या करता है, जिस भी जगह पे आप खड़े हो, जिस भी इंडेक्स पे आप खड़े हो, पहले इंडेक्स 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, जिस भी इंडेक्स पे खड़े हो उस जगह पे कैरेक्टर क्या है वो चीज आपको बताएगा। तो जो भी वहां पे कैरेक्टर होगा, अगर वो डिजिट निकलता है, अगर वो डिजिट निकलता है, तो अपने को क्या करना है, अपने को देखो यहां पे मैंने लॉजिक का यूज किया, ये लॉजिक बस आपको समझना है। अब सर ये क्या है, मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे 48 जो है आस्की वैल्यू होता है 49, देन 50, देन 51, देन 52, देन 53, देन 54, देन 55, देन 56, देन 57, कुछ बहुत ही शानदार समझाने वाला हूं। ये 0 का आस्की वैल्यू है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। लेट मी से की का वैल्यू है 1, मेरे को एक एक शिफ्टिंग करना है, तो 0 की जगह पे क्या आ जाना चाहिए, 0 की जगह पे ये वाला चीज आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 का मतलब आस्की वैल्यू क्या होता है, 49, इसके यहाँ पे 50 आना चाहिए, इसकी जगह पे 51 आना चाहिए, सो ऑन अप टू, इसकी जगह पे 58 आना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन 58 आप बताओ अगला वाला 58 का आस्की वैल्यू, भाई वो इसका होता है, ठीक है, इसका ये
या फिर कोई भी कैरेक्टर जिसका भी होता होगा, अपने को ये चाहिए क्या? नहीं, अपने को क्या चाहिए? नाइन के बाद अगला जो है, नाइन की जगह पे क्या आ जाना चाहिए? जीरो आ जाना चाहिए। तो नाइन की जगह पे आपको 48 बना देना है वापस से, आपको वापस से घूम जाना है। तो अगर आपने सर्कुलर एरे पढ़ा है, सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ा है, तो यहाँ पे मॉड का अपन यूज करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे मॉड का यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यही काम करने के लिए, ठीक है, 57 को 48 बनाने के लिए। 57 मतलब 57 के अगला वाला 58 होता, तो उस 58 को 48 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ काम किया। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अच्छा सॉरी, ये 48 होगा, इसको मैं 48 लिख देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आसान शब्दों में कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करूँ। देखो जैसे लेट मी से मेरे यहाँ पे ना एरे में इस तरीके से डिजिट है, ठीक है, जैसे 1 देन कुछ इस तरीके से डिजिट है, ठीक है। मेरे को 1 को क्या करना है, एक कदम आगे बढ़ाना है, की का वैल्यू लेट मी से मैंने लिया 1 है, 1 की जगह पे अब 2 आ जाना चाहिए, 2 की जगह पे अब 3 आ जाना चाहिए, ये मेरे को करना है। तो असलियत में हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले ये अपन देखें क्या वो डिजिट है, यहाँ पे जो भी अपने को स्ट्रिंग मिली है क्या वो डिजिट है। अगर डिजिट है तो मैं उस डिजिट को पकड़ूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर से चेक किया क्या वो डिजिट है, क्या ये कैसे चेक करते हैं, मैं आपको बताया कैरेक्टर क्लास के अंदर एक मेथड होता है इस डिजिट, जो कि पता लगा लेगा वो डिजिट है या नहीं। कौन, जो मैं कैरेट की बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रिंग के अंदर के कैरेक्टर को पकड़ना है, तो उसके लिए अपने को टेक्स्ट डॉट कैरेट यूज करना होगा, ठीक है। ये मेरे को मिल गया, अब मैं ये पता लगाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कैरेक्टर है इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इंट में, अभी ये एज अ कैरेक्टर है उसके अंदर। तो अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर दूंगा इंट में, तो ये क्या कर देगा, इसकी ASCII वैल्यू दे देगा। तो इसकी ASCII वैल्यू क्या होती है, 1 की 49 होती है, अभी आपको बताया 1 की ASCII वैल्यू क्या हो गई, 49। ये 49, अब मेरे को 49 की ASCII वैल्यू की जगह क्या कर देना है, 50 कर देना है, अभी आपको बताया था, एक कदम आगे बढ़ा देना है। तो ये कैसे करेंगे अपन, ये ऐसे करेंगे, देखो 49 में आप क्या करो, सबसे पहले की को जोड़ दो, की कितना है 1 है, तो सर 50 तो हो गया, क्या दिक्कत है, 50 तो यहीं पे हो गया, लेकिन अभी बताता हूं, ये 50 हुआ, 50 के बाद मैं माइनस क्यों 48 के साथ, अगेन माइनस क्यों, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये यहां पर से 2 निकला अपना, ठीक है। और उसके बाद फिर मॉडुलस करूं, कितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं हमारे, 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9, तो 2 मॉडुलस 10 इज व्हाट 2 होता है क्या, 2 प्लस 48 क्यों, ये 50 आ रहा है। तो सर ये क्यों किया और ये कैसे सोचूंगा मैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये कैसे सोचूंगा। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप नाइन पे पहुंचोगे इस तरीके से, नाइन पे आप पहुंचोगे, तो नाइन की जगह पे जैसे इसका ASCII वैल्यू होता है 48 और इसका ASCII वैल्यू होता है 57, तो 57 की जगह पे ASCII वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 58 आ जाना चाहिए, ठीक है। 58 आने नहीं देना है, अपने को क्या आना चाहिए, 48 हो जाना चाहिए। क्यों सर 48 हो जाना चाहिए, अभी आपको बताया 9 की जगह पे 0 आना चाहिए। तो ये 58 को 48 कैसे बनाए, तो अब आप देखना 9 के लिए अगर मैं करूंगा, 9 अगर है तो 9 का ASCII वैल्यू इज व्हाट 57, ठीक है 57, इसमें की को जोड़ो, जोड़ दिया, माइनस करो 48 को, तो ये कितना हो जाएगा 58 माइनस 48 इज 10, 10 का मॉडुलस करो 10 के साथ, कितना होता है 0 होता है, 0 को ऐड करो 48 के साथ, तो ये आपको क्या पहुंचा देगा, 58 को इसने बना दिया 48, 58 को इसने बना दिया 48। तो ये असलियत में अपने को घुमाना सिखाता है, ठीक है। लास्ट में अगर अपन खड़े तो घूम जाएंगे पहले में, अब जरूरी तो नहीं है कि की हर बार 1 हो, तो इसीलिए कभी भी जैसे की अगर 5 होगा तो 5वें के बाद गड़बड़ी चालू होगी, ठीक है, हो सकता है 5वें के बाद या फिर 6वें के बाद अपने को पहले पोजिशन पे जाना हो। तो ये एग्जैक्टली जबरदस्त लॉजिक है, अगर आपको गोल गोल घूमना है तो, ठीक है, गोल गोल घूमना है तो ये जबरदस्त लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। जो भी कैरेक्टर है उसको इंट में कन्वर्ट किए, मतलब उसके ASCII वैल्यू में कन्वर्ट किए, प्लस किए उसमें की को, ठीक है, माइनस किए जहां पर से चालू होता है 48, मॉडुलस लिए जितने डिजिट है वहां पे, देन अगेन ऐड कर दिए जो भी आप जहां पर से भी आपको चालू करना है, ठीक है। ये लॉजिक है, ये आप ध्यान रखना, अगर आप पहले किए होगे ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको पता होगा, नहीं किए होगे तो नहीं बना पाओगे कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा रहा हूं कि आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग जो है, लॉजिक जो है, आपके दिमाग में फिट हो जाए। अगेन अब ये अपर केस के साथ भी हो सकता है, ठीक है, अपर केस जैसे कुछ भी ए बी सी डी इस तरीके से, ए की जगह पे बी आ जाना चाहिए, बी की जगह पे सी आ जाना चाहिए, सी की जगह पे डी आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली वही काम किया है, जो मेरा ASCII वैल्यू होता है ए का 65 होता है, देन 66 होता है, इस तरीके से अपने को चलना,
ठीक है। और यहाँ पे अपने पास चेक करने के लिए जबरदस्त मेथड है, कैरेक्टर क्लास के अंदर इज अपर केस है, इज लोअर केस है, इस तरीके से अपने पास मेथड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से मेथड होते हैं, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपर केस है, आप चाहो तो यहाँ पे मैंने एल्स लिख दिया है, तो ऑब्वियसली वो लोअर केस होगा। एक दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी, एक दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी कि जैसे मैं यहाँ पे ऑल द बेस्ट लिखा, ऑल द बेस्ट, तो ठीक है, अपर केस के लिए तो मैंने लिख दिया, और यहाँ पे ना एल्स में मैंने एल्स में मैंने लोअर केस के लिए, अगर अपर केस नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली लोअर केस होगा, अगर वो डिजिट नहीं है तो, डिजिट होगा तो यहाँ पे काम होगा, ठीक है, अपर केस होगा तो यहाँ पे काम होगा, ठीक है, और अगर इनके अलावा और कुछ है तो उस केस में यहाँ पर से काम होगा, मतलब वो ऑब्वियसली लोअर केस होगा। आप चाहो तो ऐसे else if में भी लिख सकते हो, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी सेम वही आइडिया है, 97 से चालू होता है लोअर केस, ठीक है, 97 से चालू करना है और उसको मॉडुलस लेना है जितने भी अल्फाबेट्स हैं और उसको 97 प्लस करना है, एग्जैक्टली वही लॉजिक है, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में रिजल्ट में अपेंड करना है इन चीजों को, रिजल्ट में इन चीजों को अपेंड करना है, मतलब स्ट्रिंग बफर का मैंने यूज ही इसलिए किया था कि जहां पे मैं, मेरे को प्लेन टेक्स्ट है मेरा, वहीं पे मैं चेंज कर दूं, वहीं पे, ठीक है, वहीं पे मैंने चेंज करना है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे ये मेरा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये वाला लोअर केस के लिए है। एक दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी दोस्तों कि ऑल द बेस्ट अगर मैं इस तरीके से लिखा और बीच में स्पेसेस है, बीच में अगर स्पेसेस हैं, तो उस केस में अपने को क्या करना है, उस केस में अपने को स्पेस को स्पेस से ही रिप्लेस करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बस स्पेस के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम किया है कि अगर मेरे को वो स्पेस कैरेक्टर मिलता है, अगर मेरे को वहां पे स्पेस कैरेक्टर मिलता है, कैरेक्टर डॉट इज स्पेस कैर, उस केस में मेरे को क्या करना है, वहां पे एक स्पेस डाल देना है, ठीक है, रिजल्ट डॉट अपेंड मैंने लिखा, स्पेस डाल देना है, बस मेरे प्रोग्राम का लॉजिक इतना ही था और कुछ नहीं था। लास्ट में रिटर्न कर देना रिजल्ट वाले हमारे स्ट्रिंग बफर को, तो वो अपने को स्ट्रिंग दे देगा। और अगेन आ जाते हैं अपन नीचे, और नीचे आ जाते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं क्या हमने एग्जैक्टली जो काम दिया गया था वही किया है क्या। जो यहाँ पे इनपुट अपने को सैंपल दिया था जैसे ऑल द बेस्ट है, तो उसके यहाँ पे ये आ जाना चाहिए, इसको अपन चेक कर लेते हैं। एंटर द प्लेन टेक्स्ट, तो मैं लिखा ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मैंने लिखा, एंटर दबाया, की लेट मी से 1 जो भी अपने को दिया है, क्या ये एग्जैक्टली वही है, BMMUIFCFTU, देख लेते हैं, BMMUIFCFTU एग्जैक्टली सेम। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा, एक बार आप कोड को देख लो, अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, कुछ भी बहुत टफ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लॉजिक बहुत ही शानदार अपने को यहाँ पे यूज करना था। और बिल्कुल इसी तरीके का मैंने सिर्फ ASCII वैल्यू से खेल के ना सी प्रोग्रामिंग में सॉल्यूशन बताया, तो अगर आप जावा में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उस सॉल्यूशन को भी देख सकते हो, ठीक है, वो थोड़ा इससे ईजी है, लेकिन कोड ज़्यादा करना होता है। यहाँ पे थोड़ी चीजें अपने पास कैरेक्टर क्लास है, उसके अंदर इस डिजिट है, तो अपने को चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है, वहाँ पे चेक करने में आपको ASCII वैल्यू से ही चेक करना होगा, ठीक है, और कंडीशंस वहाँ पे लगानी होंगी, मल्टीपल कंडीशंस, बस यही है। तो और सबसे इजी वो पाइथन में, तो आप पाइथन को भी चेक कर सकते हो अगर आपको पाइथन आती है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और एक छोटा सा शेयर कर देना। थैंक यू।